बारिश की वजह से रद्द हुआ पहला टी20, तो भड़के पांड्या, 5-5 ओवर का मैच कराने की करी मांग, लेकिन अंपायर ने न्यूजीलैंड के कहने पर जानबूझकर किया रद्द। या दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूजीलैंड में बारिश की वजह से पहला टी20 मैच बिना एक गेंद फेंके रद्द करना पड़ा, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या भड़क उठे, क्योंकि बारिश रुकने के बाद भी मैच को नहीं कराया गया। पांड्या ने मैच को रद्द करने के बजाय 5-5 ओवर का मैच का मांग करी थी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही आप कमेंट करके बताएं, क्या बारिश रुकने के बाद 5-5 ओवर का मैच कराना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को खेले जाने वाला पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। भारी बारिश के कारण टॉस तक नहीं हो पाया और आखिरकार काफी इंतजार के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। वेलिंगटन में टॉस के समय बारिश होने लगी, ऐसे में दोनों टीमों के प्लेयर्स इंडोर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। एक समय ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बारिश रुक जाएगी और फिर खेल शुरू होगा, मगर बारिश ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसका रुकना तो दूर, बारिश कम तक भी नहीं हुई। भारी बारिश की वजह से स्टेडियम के बाहर भी कई जगहों पर पानी भर गया था। दोस्तों, पहले टी20 मैच पर हर किसी की नजर थी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया था। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से बाहर किया था, जबकि भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराकर सभी की उम्मीद तोड़ दी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम की इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद टी20 टीम में बदलाव के बारे में भी बोर्ड विचार भी कर रहा है। ऐसे में आज का पहला मैच होना जरूरी था ताकि खिलाड़ियों को परखा जा सके। वहीं शुभमन गिल टी20 टीम में डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, मगर बारिश ने उनके इंतजार को और ज्यादा बढ़ा दिया। केएल राहुल, रोहित की गैर मौजूदगी में हर कोई गिल को ओपनिंग करते हुए देखना चाहता था, मगर वेलिंगटन में ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों, अगर अंपायर चाहते तो मैच शुरू हो सकता था, क्योंकि जब बारिश रुकी तो मैच खत्म होने का समय बचा हुआ था। न्यूजीलैंड की लोकल टाइम के अनुसार मैच 11:30 रात को खत्म होता, जबकि बारिश रात के 10 ही रुक गया था, लेकिन न तो अंपायर ने ध्यान दिया और न ही ग्राउंड के स्पोर्ट्स स्टाफ ने मैदान को सुखाने में फुर्ती दी। अंपायर ने टाइमिंग से पहले ही मैच को रद्द करने की घोषणा कर दी। दोस्तों, इससे कप्तान हार्दिक पांड्या भड़क गए, क्योंकि पांड्या चाहते थे कम से कम 5 ओवर का मैच खेला जाए ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके और इस मैच का रिजल्ट निकल सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारी युवा टीम में हर खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है, ऐसे में अगर 5 ओवर का मैच होता तो निश्चित ही टीम इंडिया का पलड़ा भारी होता। शायद इसीलिए न्यूजीलैंड ने जानबूझकर मैच को रद्द करवा दिया है और इसीलिए पांड्या काफी भड़क गए थे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।